बैंग। और ये चार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भास्करनंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह का समय है और पूजा अर्चना कर दी है। तो दोस्तों, आज जो जाएंगे बच्चे भी माँ मल्लिका मैया मंदिर की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, आज है दशहरा और बन रहे हैं पुए और मैया को चढ़ाए जाएंगे। और आज हरेला भी है और दोस्तों पूजा अर्चना हो गई है और हरेला भी चढ़ा दिया है। और अब बच्चे लोग जाएंगे माँ मल्लिका मैया मंदिर की ओर। तो हमारी मैडम भी जाने लगी है माँ मल्लिका मैया मंदिर की ओर। और यहाँ पर हमारी बिटिया खा रही है पुए। ये अम्मा को वो पुए देने जा रही है। और हाँ, और ये पुए खाने लगी। मुंह दांत वाले नहीं वाले। बहुत सुंदर बिटिया है हमारी। तो बिटिया थोड़ा सा उसको भी दे दे यार, पुआ खिला दे यार थोड़ा सा उसको। तो बिटिया गई जेरी को भी थोड़ा पुआ देने के लिए। नीचे रख दे नीचे। अरे अच्छे तो, अरे कैसे उसके आगे डाल दे। और जेरी को दे दिया है पुआ। जेरी भी खुश हो गए। तो दोस्तों, आज हम अपने घर की जो दाल होती है, जैसे कि भट हो गई, गोहत हो गया, और जो ये है उड़द, उसको मिक्स करके इसमें इसमें अरहर भी मिलेगी। अरहर हो गया और राजमा चना आदि मिला के हम थोड़ा सा आज ये गरम दाल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज एक मूली निकालते हैं हमने खेत से। तो ये पहले बो दी गई थी, इसको निकालता हूँ। अभी दिखाता हूँ कितना इसका साइज हो रखा है। और ये देखिए कितना सुंदर मूली और बहुत ही सुंदर इसका साइज भी हो रखा है। और हमारा बासु आ गया है अभी दुकान से। बासु क्या दुकान हुआ है? ठीक, लो इसको ले जाओ यार, इस मूली को ले जाओ और इसको धो धा के बहुत ही सुंदर इसकी कटिंग होनी है। तो दोस्तों, आज जो सब्जी भी वैसे सोच रहे हैं अभी घर वाले कि कद्दू की सब्जी, एक कद्दू लगा है। तो ये इस सीजन की जो है आखिरी कद्दू है करीब करीब ये, और ये भी खराब हो रहा है। तो अभी हमारा बासु इसे तोड़ने की कोशिश करेगा। बासु आराम से, टहनी मत तोड़ देना, ठीक है? तो वो बेल को खींच यार, बेल अब नहीं लगेंगे उसमें। नहीं नहीं, ये वाली बेल है इधर। अरे ईश्वर है यार ये। तो बासु ने ठान लिया है कि मैं पेड़ में जाऊंगा, और पेड़ में गया। ये कांटे भी चुभेंगे बाबू। तो बासु, आखिरकार बासु ने कद्दू तोड़ लिया। अब मैं इसे पकड़ूंगा। बासु एक मिनट। अरे तो दोस्तों, अब ये कद्दू को हम काट देते हैं। और जो कद्दू है वो हमने काट दिया है। तो दोस्तों, अभी हमारी मैडम आ गई है माँ मल्लिका मैया मंदिर से, और मैं यहाँ पर लगाऊँ ये क्या कहते तिरपाल सिन्ने में। परसों इसको कैसे फटाए, किसने फाड़ा? बंदर ने, बंदर आया था, बंदर ने फाड़ दिया। तो तेरा इसको ठीक कर देता हूँ। और खुशी भी आएगी। खुशी गुड आ गई। आयुष्मान दद्दा को भी प्रणाम करो। गुड। तो दोस्तों, परसों हमने किया था पावर वीडर से भटकी बनाई। तो आज हम अपना जो पावर टीलर है उससे बड़ा है, बड़ा साइज का है, तो उसको हम आज देखते हैं कि कैसा वो चल रहा है। और उसके बाद मैंने बुलाना है उसको चलाने वाला। तो अब हम गेहूं की बुआई भी करेंगे। तो अभी मैं उसको पहले देखता हूँ कि मशीन कैसी है। तो अब हम ये जा रहे हैं और बासु उसको देख रहा है। तो सामने ये पहुँच गया है बासु। तो आराम से पॉलिथीन हिसाब से खोलना। और उसी के बगल में हमने थ्रेसर भी रखा है। तो अभी बासु कह रहे हैं कि इसकी जानकारी मैं लूंगा। तो बासु देख लिया आपने? तो यहाँ पर है ये थ्रेसर और ये है पावर टीलर, मतलब टीलर कुछ बड़ा हो जाता है। और वो एक मिनट। तो आप इसको निकालने की सोचेंगे इसके, इसमें हटान रुक जा, मैं खोल लूँगा यार, ऐसे ही खींचा जाएगा वो। तो बासु को पूरा अनुभव है इस चीज़ का कि कैसे चलाया जाएगा इसको। चला आप ले जाएंगे चला के वहाँ तक खेत में पहुँचा देंगे सर? अच्छा ऐसे ही, रुक 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 रुक। तो अब आप लोगों को मैं अपना थ्रेसर भी दिखाता हूँ। ये थ्रेसर है, ये इसकी मोटर है। तो अभी इनको हम ढक रहे हैं, ये गेहूँ के सीजन में ही निकलेगा। तो इसको थोड़ा पैक करना पड़ेगा। इसका भी निकाल लेना तो यार, सब खोलता तो हूँ यार बासु। तो हमारा बासु कस रही हो तुम इसको? उल्टा कस नहीं रहा हूँ यार, खुला है। कैसे घूमेगा वो? इधर तो ऐसे घूमेगा, रुक रुक रुक, ऐसे ऐसे। ऊंचा नहीं है ज्यादा? है ऊंचा नहीं होगा यार, वो कुछ हुआ होगा, अभी देखता हूँ। हाँ ये ऊंचा है, ये ऊंचा है ज्यादा। हाँ ऊंचा लग रहा है, ऊंचा लग रहा है यार ऐसा ऊंचा। तो आया जाएगा
नीचे को आएगा यहाँ से। कहाँ से? यहाँ पर इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा फिट। इतना ऊंचा थोड़ी होता है। और इसकी चाबी है गाइस, हम चाबी स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुक जा। यहाँ पर फंस गया यार, इसके चक्कर में हो रखा था। ये क्या है? ये रेड वाला है यार। ये पता नहीं यार, ये चौक होगा अनुमानित। ये क्या है? तेल का डब्बा। तेल लाल है इसमें होगा यार, पता नहीं कितना है जाने। यार थोड़ा है यार, तेल ला यार, ऊपर से तेल ले यार बस। फोन घुसा दे इसके वो तो फिर देखा जाए। तेल लिया तो जर्किन में रखा है, पानी जाता है। तो सामने बासु ले आया डीजल। डीजल ये पक्का? तो देखते हैं, खोलो से पहले डीजल का बर्तन खोलो बाबू, क्या पता कहीं पेट्रोल ना। अरे पहले ऐसे मत डाल देना यार, पेट्रोल नहीं पड़ता उसमें। तो बासु डालने लगे हैं डीजल। तो इसको भी बड़ा अनुभव है ट्रैक्टरों का, तो आज ये वाला निकलेगा पावर टीलर। टीलर हुआ ना है? वो बीडर था छोटा। तो दोस्तों बासु खींच रहा है पावर बीडर को। बीडर है ना, टेलर छोटा होता है तो ये बीडर है। अभी है बीडर, परसों वाला था बीडर। वो अच्छा टेलर, पावर टीलर कुछ बड़ा साइज का होता है। अरे आ गया। और ये ले जा रहा, देखते देखते देखो इसकी। ओए आ गया। चलो जो भी होगा। अरे ब्रेक मार। और वहां से भाई साहब देखे कि बासु कैसे ला रहा। गुड, पहुंच गया। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। सो गाइस एक काला वाला पट्टा लगा दिया है, उसकी साइड में चच्चा लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे घर से अभी स्टार्ट नहीं हुआ और हमने बुलाया है हिमांशु को। हिमांशु लगाएंगे इसमें कुछ अपना टेक्निकल ज्ञान। अब नहीं हो पाएगा तो जो होगा वो, हमारे घर से नहीं हो पा रहा था, अब क्या कहें। तो अब हिमांशु आ गए इसको देखने के लिए। सब ऑन है सर। भयंकर हिमांशु ने स्टार्ट कर दिया गाइस। बहुत हो जाएगा, हो जाएगा। पावरफुल आदमी हमारे पास हिमांशु जैसा। सर फिर एक बार और ट्राई। दो बार वहां ये छोड़ना नहीं आ रहा होगा। अभी हो गया टाइम शायद। सो गाइस इसकी डोर निकल गई है अंदर से पूरी, चेक किया जा रहा। तो इसके लिए इंजीनियर रहे थे, तो हमारे बड़े इंजीनियर चाचा भतीजे के लिए यही ले आना। बात आता अपना यार, हिमांशु आज भोजन हो गए हमारे। तो दोस्तों आज हरेला पर्व है, दशहरा, तो हरेला लगाया जा रहा है। थोड़ा मैं काम के सिलसिले में इधर उधर निकल गया तो कुछ लेट हो गया हूँ मैं। और अब ये हमारे बच्चे मेरे को लगा रहे हैं हरेला। लगाओ फिर बाबू, ये तू ऐसे पीछा लगा दिया दीदी ने, ठीक है क्या कुनी? जी रे जा जी रे बच रे फुल हो जाए हो, आकाश बराबर उच्च, आयुष्मान धरती बराबर चौड़, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अभी नियाद दी भी आएंगी फिर। अभी और कहाँ के बच्चे? वाह, चलो नेहा दीदी भी लगा रही है अब। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, आज हरेला लेट हो गए। हरेला लगाने को सब आ जाओ बच्चे। क्या लेके आए हो तुम्हें? अरे ये आ गई पत्तू भी आ गई, लगाओ जल्दी। अरे गुड गुड गुड, ये है चल ले, तुम लगा ले। ओ रे रे रे, वाह, दो हाथ लगाया, एक हाथ से बना था, एक को नीचे गिर गया। वाह बहुत ही सुंदर, ले ले ले। बत्तू और निधि का क्या लेके आई है तू? पहले क्या आई है? लो फिर पहला हम अपने बिटिया को कुछ दे दें। नहीं एक ही ले बाबू, ये तेरा हो गया, दाएं हाथ कर। तो दोस्तों आज जो ट्रैक्टर का बीडर का हम काम कर रहे थे उसमें क्या हुआ, जो किक है उसका, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अब हम उसको आज खेत में भी नहीं ले जा पाए और दिन खाली बर्बाद गया आज। तो अब देखते हैं कि क्या किया जाए, कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे कि ये बाड़ा है पीछे, इसमें सिंचाई करता हूँ। और इधर हमारे बच्चे पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लगे हैं आंगन में। और सामने दक्ष वो, अरे रे रे, वो बच्चिया की वहां पर पहुंच गई गेंद। ये कौन सी गेंद है बाबू? तो इन्होंने हमारे वहां जितने कागजी नींबू लगे हैं उनसे खेल दे रहे हैं क्रिकेट। तो बाबू दिखाओ जरा कागजी नींबू, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये देखिए कागजी नींबू से खेल दे रहे हैं एक मैच। तो कागजी नींबू कितना महंगा होता है। और ये आउट कर दिया, और यसु गए गेंदबाजी करने के लिए और निधि को बॉल दिया और बॉल बाहर, चार रन। मतलब
अरे व्हाइट गई ना, व्हाइट में 4 रन हो गया। और यहाँ पर हमारा बासु आ गया। बासु क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो? बॉल फूट गई तो आज कोई आनंद नहीं है। और दूसरा कहाँ है? एक बाड़ी में कोई दिख रहा था। अरे कौन है बाड़े में? कौन? अरे ये आ गए हैं डक्स। बॉल फट गई तो यार क्या होगा यार। और खुशी भी आ रही, खुशी तो कहाँ गई? अरे आजा आजा और कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों ठंड बढ़ गई है और अभी एक हमारा एक छोटा सा खेत है, इसमें मैं ये अपना छोटा पावर बीटर है इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कैसा चलता है। बड़ा वाला तो उसका जो स्टार्ट करने वाला है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। बॉल मिली, बहुत अच्छी बॉल मिली, दिखाओ। गुड, अब तुम हमारे जो है वो है कागजी नींबू ना, उनको बर्बाद नहीं करोगे। हाँ। तो सामने बच्चे हो गए तैयार। और इस बॉल से हल्की बॉल देना, लग जाएगी। हल्के हल्के बॉल क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। वर्तिका बहुत अच्छा खेल ली। ओ रे 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 रे, लगी तो नहीं? ओहो तो बहुत प्यारा प्यारा गेम खेल रहे हैं यहाँ पर ये। और ये 4 रन। और फिर शॉट लगा दी है वर्तिका ने। तो निधि के पाँव में लग गई शॉट। धीमे धीमे हल्की शॉट मारो ना, मिनी मिनी कर दो। आए जरा, वो रे बड़ी जोर से लग गई यार बाबू को। आ बेटा मैं मिनी मिनी कर दे। यहाँ पर छाप पड़ गई अभी ही, मतलब ओ बाप रे, कोई बात नहीं।